नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधु स्वागत करता हूं। भारत एक आस्था प्रधान देश है। भारत में कुछ ऐसे मंदिर मौजूद हैं जो देश विदेश के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। खासकर भगवान शिव से संबंधित मंदिर देश के कोने कोने में स्थित हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि भगवान शिव हर समय सांपों से घिरे रहते हैं, लेकिन आज आपको हम एक ऐसे मंदिर के बारे में जानकारी देंगे जिसमें भगवान शिव की रक्षा एक मेंढक द्वारा की जाती है। सुनने में तो अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस मंदिर में मेंढक की पूजा भी की जाती है। मेंढक मंदिर के नाम से विख्यात यह मंदिर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के ऑयल नामक कस्बे में स्थित है। कहा जाता है कि यह प्राचीन मंदिर 200 साल पुराना है। इस इलाके के लोगों का मानना है कि सूखे और बाढ़ जैसे हालातों से बचने के लिए ही इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। माना जाता है कि प्राचीन समय में स्थान शैव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। इस इलाके के शासक भगवान शिव की उपासना करते थे। इस क्षेत्र पर 11वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक चामान शासकों का राज्य रहा था। चामान वंश के राजा बख्श सिंह ने इस प्राचीन व अद्भुत मंदिर का निर्माण करवाया था। तांत्रिक ने तैयार किया था मंदिर का वास्तुशिल्प। माना जाता है कि इस मंदिर का वास्तुशिल्प कपिला के एक प्रसिद्ध तांत्रिक ने बनाया था। तंत्रवाद पर आधारित यह मंदिर अपनी वास्तुकला संरचना व शैली के कारण सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। इस मंदिर में भगवान शिव से अधिक मान्यता मेंढक की है, इसलिए इसे मेंढक मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव की रक्षा करता है मेंढक। मंदिर के बाहर एक विशाल मेंढक की मूर्ति बनी हुई है। गांव के लोगों का मानना है कि मंदिर में बनी हुई यह मूर्ति भगवान शिव की रक्षा करती है। इस मंदिर में रोजाना भगवान शिव के साथ ही मेंढक की पूजा भी की जाती है। गाँव वासियों का कहना है कि इस मंदिर में दर्शन करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते इस इलाके के लोग। यह इलाका प्राचीन समय में शैव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा है। आज भी इस इलाके में शैव संप्रदाय से संबंधित लोग ज़्यादा संख्या में रहते हैं, इसीलिए इस इलाके में केवल भगवान शिव की ही पूजा की जाती है। गांव के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते। यह भारत का इकलौता मेंढक मंदिर है। दीपावली पर की जाती है पूजा। इस मंदिर में भगवान शिव के साथ ही मेंढक की पूजा भी की जाती है। हालांकि यह एक शिव मंदिर है, लेकिन इस स्थान पर शिवरात्रि की बजाय दीपावली के त्यौहार पर भक्तों की अधिक भीड़ देखने को मिलती है। मंदिर तक कैसे पहुंचे? लखीमपुर से ऑयल कस्बे की दूरी 11 किलोमीटर है। लखीमपुर से बस या टैक्सी द्वारा ऑयल तक पहुंचा जा सकता है। इस मंदिर से नज़दीकी एयरपोर्ट लखनऊ एयरपोर्ट है, जो कि यहां से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एयरपोर्ट से भी बस या टैक्सी के द्वारा मंदिर तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसे शिव मंदिर से जुड़ी जानकारी जहाँ पर मेंढक की पूजा होती है। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।